अवैध निर्माण की बढ़ती शिकायतों को उल्हासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने शायद गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में महानगर पालिका के अवैध निर्माण तोड़ू दस्ते ने जेसीबी की मदद से 7 पक्की दुकानों और 2 टपरी पर तोड़ू कार्यवाही करते हुए जमींदोज कर दिया। महानगर पालिका के कमिश्नर अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर के मार्गदर्शन में उक्त कार्रवाई हुई। महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते के एक अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उल्हासनगर और अंबरनाथ की सीमा पर स्थित साईं बाबा मंदिर के सामने शहर के प्रवेश द्वार से सटकर पिछले एक सप्ताह से अवैध दुकानें बनाने का काम बिना रुकावट चल रहा था। साईं बाबा मंदिर के पास नए गालों सहित कैंप 3 के इंदिरा गांधी मार्केट परिसर में बने अवैध गाले भी तोड़ दिए गए। गौरतलब है कि शहर में बड़े पैमाने पर कानून की अनदेखी कर निर्माण कार्य होने का अपना इतिहास है। महानगर पालिका मुख्यालय में चर्चा है कि हाल ही में भी कई जगह अवैध निर्माण हुआ है, क्या उन पर भी महानगर पालिका का हथौड़ा चलेगा। वहीं केडीएमसी प्रशासन अवैध निर्माणों पर लगातार सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। अवैध निर्माणों पर निरंतर तोड़ू कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में केडीएमसी कमिश्नर डॉक्टर भाऊ साहब डांगड़े और उपायुक्त सुधाकर जगताप के मार्गदर्शन में एच वार्ड के सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते, डोंबिवली पश्चिम कुम्भार खान पाड़ा, निर्माण मालिक मनोज महात्रे, मंदार महात्रे, मयूर महात्रे, बेसमेंट प्लस 6 मंजिला इमारत के निर्माण के स्लैब पर तोड़ू कार्रवाई की गई। उक्त बिल्डरों के खिलाफ MRTP का मामला पहले ही दर्ज हो चुका है।